मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा निगम मंडल है जिनका सीधा सरोकार जनता से है, लेकिन इन निगम मंडलों का इस्तेमाल जनता के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा हो रहा है। इन निगम मंडलों का परिसर कई बार राजनीति और आपसी मनमुटाव का अखाड़ा भी नजर आया है। अब इन निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। हमारा फिर कहना है कि उसमें निगम मंडलों के उद्देश्य का उन्नति करें, इसका प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और उसके संबंध में पुनः मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस होना चाहिए ताकि निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएँ और अधिकारियों से तालमेल बना के उसमें अनुकूल कार्रवाई हो और संस्था उन्नति करे। सालों से खाली पड़े निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पर्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियां तो कर दी है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क समझ में नहीं आया है। ताजपोशी के बाद निगम मंडलों में काम न होने के अपने अपने तर्क है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में स्टॉक की कमी है तो माइनिंग कॉरपोरेशन में रोजाना का कोई काम ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक निगम हो या श्रम कल्याण मंडल, इनको भी नेताओं ने हाशिए पर ला दिया है। लालबत्ती की चमक और हूटर की आवाज में नेता सब कुछ भूल जाते हैं और ताजपोशी बन जाती है रुतबे का माध्यम। ऐसा है कि मैं तो स्थानीय व्यक्ति हूँ, मैं तो लगभग हफ्ते में 2-4 दिन निश्चित रूप से जाता हूँ और काम बहुत है। अभी कुछ क्षेत्रों में दौरे किए हैं, पूरे प्रदेश में दौरे करना है, क्योंकि जो माल जनता को उपलब्ध हो रहा है उसको गुणवत्तापूर्ण माल हो और समय पर माल पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो गोदामों में रखा गया हमारा माल है, वो गोदाम वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के होते हैं, लेकिन हमारा माल रहता है, उसको देखना, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, उसकी एक जवाबदेही होती है। उसको लगता है चाहे वो निगम मंडल में बैठे, चाहे वो विधायक बने, चाहे सांसद बने, चाहे पार्षद बने, चाहे मंत्री बने, चाहे कुछ बने, लेकिन उसको लगता है ना कि मेरे पीछे जनता है, जनता मुझे देखेगी, उसमें मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए नहीं करने के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है और करना चाहिए, करके परफॉर्मेंस के आधार पर दिखाना चाहिए कि हमने ये काम इस क्षेत्र में गए थे तो ये किया, और देखने और सोचने का और समझने का बहुत नज़दीक से आपको इसका अवसर मिलता है। लंबे समय बाद ऊर्जा विकास निगम में नियुक्ति और पर्यटन विकास निगम में बदलाव हुआ है। यहाँ पर करने को बहुत कुछ है, जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन का दावा है कि उन्होंने निगम के सालाना टर्नओवर में 10 गुना इजाफा कर दिया है। जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उस समय ये कुल 25 करोड़ का निगम था, मतलब साल में हमारा कुल टर्नओवर 25 करोड़ का था। आज 8 महीने में 250 करोड़ का, 250 करोड़ का। सामान्यतः प्रगति परसेंटेज में होती है 10%, 5%, 15%, हम एक साथ 8 महीने में 10 गुना बढ़े, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति मेरिट नहीं मर्सी के कारण होती है, तो क्या दया सिर्फ राजनीतिक रुतबा बढ़ाने के लिए होती है? क्या इन नेताओं की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? जब निगम मंडलों का कामकाज बने बनाए ढर्रे पर चलता है तो फिर राजनीतिक नियुक्तियों की क्या उपयोगिता है, या फिर सिर्फ निगम मंडल का राजनीतिक रूप से यही बेहतर उपयोग है? ब्यूरो रिपोर्ट, बीजेपी न्यूज़।